एजेंट जैक क्विन, सरकारी जासूस की हैसियत से यह तुम्हारा आखिरी और सबसे अहम काम होगा। हमारी खबर के मुताबिक खतरनाक प्लूटोनियम से भरा एक ट्रक अमरीकी हथियार के गोदाम से चुरा लिया गया है। हमारा ख्याल है कि स्टेवरोस और उसके साथी 24 घंटों के अंदर इसे स्मगल करके इराकियों को बेच देंगे। वो ट्रक उनके कब्जे से छुड़ाकर किसी भी हालत में हमारे मिलिट्री अड्डे पर हिफाजत से पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हट जाओ आगे से। आपके लिए फोन है सर। हमें खबर मिली है कि क्वीन ने प्लूटोनियम का ट्रक हासिल कर लिया है सर। अरे वाह, अब उसे और तेजी से भागकर उस ट्रक को लेकर 14 घंटों के अंदर बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उसका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। करती है। ये गाय नहीं है जैक, ये बत्तख है। चाहे जो भी है, मैं इससे परेशान। क्या कहा, परेशान हो? तुम्हारी बत्तख वाकई खूबसूरत है। तुम भी खूबसूरत हो। ज्यादा देर नहीं रहूंगी। मेरे लिए हमेशा ही खूबसूरत रहोगी, बस थोड़ी सी कोलमटोल सी हो जाओगी। तुम चाहते हो ना कि हमारा बच्चा हो? हाँ बिल्कुल। कैसे हो जैक? क्यों पहचाना अपने पुराने दोस्त को? तुम सीधे रास्ते से नहीं आ सकते थे? उल्टे रास्ते से आने का कुछ और ही मजा है, और तुम ये जानते हो जैक। हाँ तुमने मुझे ढूंढा कैसे? हमने तुम्हें खोया ही कब था मेरे दोस्त। तुम जानते हो ये काम मैं छोड़ चुका हूँ। छोड़ो यार, कब तक अपनी बीवी के साए में ये छुपकर बैठे रहोगे? तुम एक शिकारी हो जैक, और सच तो ये है कि तुम शिकार किए बिना रह ही नहीं सकते। तुम क्या जानो ये काम क्या होता है? तुम्हारे लिए वो सिर्फ पॉलिटिक्स है। तो बुरा क्या है, पॉलिटिक्स में कितना पैसा है? जिंदगी में ऊपर उठने का मौका दोबारा नहीं मिलता जैक। तुम्हें खतरनाक काम पसंद था ना, तो वो मैं तुम्हें देता हूँ। स्टेवरोस लौट आया है,
तुम्हें उसे पकड़ना होगा। हमें उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उसके सभी साथियों के नाम और अड्डों के पते जो सिर्फ तुम ला सकते हो। इतने सालों तक तुमने उसका पीछा किया है, तुम जानते हो वो क्या सोचता है, कैसे काम करता है। क्या सोच रहे हो जैक? उसे पकड़ने का आखिरी मौका है। इस काम में डेल्टा टीम तुम्हारा साथ देगी जो इस वक्त एंटवर्प शहर में है। सच तो यह है जैक कि जब तक वो खतरनाक स्टेवरोस काम नहीं छोड़ता, तुम ये काम नहीं छोड़ सकते। रोम शहर। क्या कोई ये काम करेगा? कह नहीं सकता, शायद उसने वाकई काम छोड़ दिया है। अगर ये सच है तो हम दूसरा प्लान आजमाएंगे। अपनी सीट आगे करो, मुझे बैठने में तकलीफ हो रही है। तुम सरकारी जासूस कभी चैन से नहीं बैठने देते। तुम छोटे मोटे स्मगलर्स को पकड़ लेते हो और सरकार तुमसे खुश हो जाती है, फिर तुम्हें तरक्की मिल जाती है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि इस खतरनाक खेल के तुम बहुत छोटे खिलाड़ी हो। तुमने एक ही अच्छा काम किया है, क्वीन को इस खेल में वापस ले आए। अब मजा आएगा। गाड़ी रोको। और हाँ, तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालो। हाय हाय, कैसे हो? शर्माते क्यों हो? अब ये मत कहना कि ये काम खतरनाक नहीं है और तुम 36 घंटे में लौट आओगे। बता सकते हो याद कहाँ मिलेगा? यहाँ यास कौन है? वाओ, बहुत दर्द हुआ ना? यहाँ दर्द हुआ, पर ये करवाने में मुझे बहुत मजा आया। कौन हो तुम? जिसे मिलना चाहते हो? तुमसे? जो शक्ल देखकर आदमी का अंदाजा लगाता है उसे मुझे बहुत चिढ़ है। काफी रंगीले बाल हैं। तुम्हारा हजाम कौन है? जो आदमी मेरे बालों का मजाक उड़ाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अपनी मर्दानगी के किस्से मुझे मत सुनाओ, समझे? बहुत हो गई बेकार की बातें, अब ये बताओ कि तुम कौन हो? जैक क्वीन। ज्यादा होशियारी ना करना, अदब से पेश आना। तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हैं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि तुम जैक क्वीन हो या नहीं। हे, कमाल हो गया, तुम जिंदा हो। मैंने तो सुना था तुम मर चुके हो जैक। वाह, डिस्को की आड़ में बंदूकें। ये कौन है, तुम्हारा चमचा? मेरे ज्यादा चमचे नहीं है, पर जितने भी आदमी हैं सब बड़े अच्छे हैं। तो तुम मुजरिमों को भी बंदूकें बेचते हो? हाँ, अब मैं मुजरिमों को बंदूक नहीं बेचता, सिर्फ कानून के रखवालों को। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये नई बंदूक आई है जो मुझे भी नहीं पता कैसे काम करती है। हमला करने वालों की ही तारीफ होती है, पर बचाव करने वाला ही हमेशा जीतता है। मैं कैश लेता हूं और सोना लेता हूं। तुमने ये खोला तो नहीं? हाँ, खोल तो दिया। नीचे झुक जाओ। अरे हुआ क्या? मैं चेक नहीं लेता, मेरा यहाँ एक उसूल है। तुमने तोड़ दिया मतलब खरीद लिया, समझ गया? हुँ।
दोस्तों ये है डेल्टा वन, भूल जाइएगी ने कभी देखा था। ये है मिस्टर यमीर, इन्होंने हमें जानकारी दी है कि कल दोपहर को स्टैवरोस कहां जाने वाला है। वो लगभग इस इलाके में होगा, बच्चों के पार्क में। मेरे साथ कौन रहेगा? मैं आपके साथ रहूंगी सर। इसे चला सकती हो? इसमें छोटे जहरीले तीर हैं जिससे तुम दुश्मन को बेहोश कर सकती हो। क्या तुम 200 गज की दूरी से निशाना लगा सकती हो? इससे तो मैं उड़ती चिड़िया की आंख निकाल सकती हूं। स्टैवरोस एक सांप जैसा है, अगर उसे नजरें मिलाओगे तो वो पीछे से वार करेगा। स्टैवरोस को पहचानते ही हम उस पर हमला कर देंगे। और याद रहे, दो तीरों से इंसान मर सकता है और तीन से तो गैंडा भी मर जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ एक तीर चलाकर स्टैवरोस को जिंदा मारना है। वाली औरतों पर नजर रखना। ठीक है। यहां कुछ गड़बड़ है। डेल्टा वन, स्टैवरोस मिल गया है। वो सामने मर्सिडीज कार में है। तीन आदमी कार से निकले हैं। ड्राइवर वही कार में बैठा हुआ है। उन्हें अंदर आने दो। डेल्टा टू और फाइव, उनका पीछा करो और बाकी सब रुक जाओ। ठीक है डेल्टा वन। कितनी तूफानी बारिश हो रही है। क्या आज ही आना जरूरी था? जरूरी था इसीलिए आए हैं। अब आ गए तो चलो ढूंढते हैं। मैंने उसे देख लिया है और निशाना भी लगा लिया है। फायर करने के लिए तैयार। वो स्टैवरोस नहीं है। स्टैवरोस तो बाएं हाथ से काम करता है। वो स्टैवरोस नहीं है, वो ड्राइवर स्टैवरोस है। ढूंढो उसे, ढूंढो उस ड्राइवर को। सब स्टैवरोस को पार्क में ढूंढो। चलो आओ बच्चों, आओ आओ इस झूले में आओ, बड़ा मजा आएगा। आओ, हमने बाहर जाने का रास्ता रोक दिया है। वो मिल गया। हाँ, एक औरत उसके नजदीक जा रही है। वो औरत कौन है? वो कुछ छुपा रही है, शायद वो बम भी हो सकता है। My God, अब क्या करूं? मैं गोली चलाने के लिए तैयार हूं डेल्टा वन। डेल्टा टू और डेल्टा फाइव, हम दोनों उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं सर। डेल्टा वन, आप क्या सोच रहे हैं? डेल्टा वन, हम हमले के लिए तैयार हैं। डेल्टा वन, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही हूं। वो आपके सामने है, आप गोली क्यों नहीं चला रहे? स्टैवरोस भाग रहा है। बत्तरे, पीछे जाओ, दूर हटो, दूर हटो। अब तुम नहीं बचोगे। Ah!
जानते हो उसकी माँ क्या कहती थी? कि एक चीज उसे बहुत ज्यादा पसंद थी और वो था उसका छोटा सा घोड़ा जिस पर वो छुट्टी के दिन घुड़सवारी करता था। उसे घुड़सवारी का बहुत शौक था, लेकिन अब वो कभी घुड़सवारी नहीं कर पाएगा। मैं एक पेशेवर कातिल हूं क्वीन। मैंने बड़े से बड़े लोगों का कत्ल किया है, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को मारा वो सब साले मरने के लायक ही थे। पर मेरा बेटा सिर्फ 6 साल का था क्वीन, फिर भी तुमने उस मासूम को क्यों मार डाला? और अब ये जंग सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होगी। तुमने अपनी मौत को दावत दी है। गिरोह में शामिल किए गए नए मेंबर की पहचान: जैक पॉल क्वीन, जन्म 1959, 22 साल की उम्र में सरकारी जासूसी कामों में शामिल। आपकी खासियत गोला बारूद, दुश्मन को पकड़ना, उनके दांव पेच समझना। आप माहिर हैं आतंकवादियों को पकड़ने में। आपका आखिरी काम था खतरनाक स्टैवरोस को पकड़ना। हाल ही में हुए एंटॉप शहर वाले हमले के हासिल वीडियो रिकॉर्डिंग से हमें पता चला है कि एजेंट क्वीन स्टैवरोस को पकड़ने में नाकामयाब है और एक सुनहरा मौका हाथ से खो बैठे, क्योंकि आप जज्बाती हो गए। जज्बाती एजेंट सरकारी जासूस नहीं बन सकते, पर आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको हमारे गिरोह में शामिल कर लिया गया है। नहीं! अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे मिस्टर क्वीन, तो एक और रास्ता है। इस मशीन से निकलने वाली जहरीली गैस आपको बगैर तकलीफ के खत्म कर देगी, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बीवी और दुनिया वालों से कहा गया है कि आप मर चुके हैं। लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो टीवी के पास पड़ी स्कैनिंग मशीन पर अपना अंगूठा रख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। आपका पहचान नंबर है 0041। शुक्रिया मिस्टर क्वीन, इजाजत के बगैर बाहर न जाएं। जैक, मुझे खुशी है कि तुम हमारे गैंग में शामिल हो गए। एलेक्स गोल्डस्मिथ, आप जिंदा हैं? आप तो 6 साल पहले मर गए थे। वाकई 6 साल हो गए मरे हुए। खैर छोड़ो, चलो मेरे साथ, हमारे साथ ही तुमसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, मिलिए हमारे जाने माने साथी जैक क्वीन से। हमें खुशी है तुम बच गए क्वीन।
मोशे लेवान, आप तो लेबनान में मर गए थे। बेरूत में मेरे दोस्त। कमाल है, यहाँ तो सभी पुराने एजेंट्स मौजूद हैं और पुराने दुश्मन भी। हमारी जिंदगी इतनी कीमती है कि हमें मारना नामुमकिन है और खुला छोड़ना भी खतरनाक। हमें खुशी है कि तुम भी शामिल हो गए क्वीन। क्वीन स्टाल, तुम? मैं समझ गया। रुक जाओगे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो इसे बहुत पहले मार दिया था, लेकिन ये आदमी बच गया था, इसीलिए मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। जैक, तुम्हें हमेशा ये घड़ी पहननी पड़ेगी। ये बहुत आसान है, इसमें पेजर है और टाइमर है। तुम्हें किस वक्त और कहाँ रहना है ये घड़ी बताएगी। इसका सिग्नल सुनते ही तुम्हें जवाब देना होगा, समझ गए ना? जैक, हम दुनिया की मुश्किलों को सुलझाते हैं। हम दुनिया के हर कोने में बसे आतंकवादियों पर नजर रखते हैं और उनकी खुफिया खबरों की जांच करके देश विदेश की सरकारों को भेजते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम गुमनाम रहते हैं और हमारी मौजूदगी का किसी को पता नहीं। चलो जैक, चलकर देखते हैं आज आतंकवादियों ने किस देश पर हमला किया। यह है ग्लोबल एयर विमान के हादसे की तस्वीरें जो सैन फ्रांसिस्को से सियोल जा रहा था। जिस जगह पे क्रैश हुआ वहां से हमारी मशीन सिग्नल भेज रही है। हेडफोन को कान में और हाथ किस मशीन पर रखना। गौर कीजिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओर से खबरें आ रही हैं। ग्लोबल एयर वाले हादसे पर मुल्क के प्रेसिडेंट अपनी राय देंगे, पर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इस जहाज में सफर कर रहे 176 लोगों में से कोई भी नहीं बच सका। सरकार का कहना है कि इस जहाज को उड़ा देने में कोरिया के आतंकवादियों की मिली जुली साजिश है। प्रेसिडेंट इस बात को मानते हैं और इस हादसे के मामले में अमेरिका की ओर से अपना ख्याल बयान करेंगे। कोरियन सरकार ने इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट इस बात को नहीं मानते हैं। देखो जैक, तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा तब लग सकता है जब तुम हर आने वाले केस को अपने अंदाज से जांच करके अपनी राय जाहिर कर सको। इसी मकसद से तुम्हें हमारे गिरोह में शामिल किया गया है। शुक्रिया। विमान में अंदरूनी खराबी की वजह से धमाका हुआ और एकदम से खत्म हो गया। अभी अभी हमें जहाज के कॉकपिट से हासिल की गई पायलट के बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हमारे नजदीक एक ऐसा विमान है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लगता है वो हम पर हमला करने। अफसोस, कोरियन आतंकवादियों के पास कमाल की खुफिया तकनीक है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? क्या तुम कुछ बता सकते हो? और कोई राय? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर इस जांच से यह साबित होता है कि इस हादसे में कोरियन का हाथ है। मुझे नहीं लगता। ये झूठ बोल रहा है, ये जरूर कुछ छुपा रहा है हमसे। ये इस हादसे के बारे में कुछ जानता है। चलो विमान की तस्वीर फिर से देखते हैं। जरा रुको, वो क्या है? किसी चीज की परछाई है। वो देखो, कोई गोला जैसा है। नहीं, ये अमेरिका का जंगी जहाज है। कंप्यूटर की मदद से जंगी जहाज को जरा विमान के नजदीक लाकर दिखाना। अगर जंगी जहाज करीब होगा तो स्कैनिंग मशीन से पकड़ नहीं पाई होगी। कोरिया वालों ने जंगी जहाज को निशाना बनाया होगा, लेकिन गलती से शायद इस प्लेन पर निशाना लग गया। इसका मतलब अमेरिकी लोगों ने जहाज की आड़ में अपने किसी नए हथियार की जांच जरूर की होगी। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से कोरियन लोगों को बेवकूफ बनाया। काफी होशियार है जैक। शुरुआत अच्छी रही। पानी में बिजली का करंट लगाया गया है। बिजली का करंट? इस पानी में लगे करंट के ताने बाने से टकराने वाली हर चीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। बहुत सोच समझ कर बनाया गया है जैक।
कभी कोई बचकर नहीं निकल पाया? कोई नहीं? कोई नहीं, एक ने भागने की कोशिश की थी जिसका नाम ब्राइस था, तब पानी में करंट नहीं लगे हुए थे, बेचारा 48 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाया। उसके रखवाले ने उसे सजा दी। यहां हर एजेंट का एक रखवाला होता है जिसे वह खुद नहीं जानता। इस रखवाले का अहम काम यह है कि वो उस एजेंट के काम, रवैये, चाल ढाल वगैरह पे नजर रखे। अगर कोई एजेंट यहां से भागने की कोशिश करता है तो वो रखवाला उसे खत्म कर देता है। इस जगह को दुनिया की नजर से आपने कैसे छुपाए रखा? ऐसी तकनीक है हमारे पास जिससे हम दुनिया की नजरों से गुमनाम रहते हैं। चाहते हैं, क्यों तुम्हें जानकर ताज्जुब हुआ ना? मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कल प्लेन की टिकट भेज रही हूँ। आप सब लोग 5 मिनट के अंदर अपने अपने कमरे तक पहुँच जाएं। इजाजत के बगैर आप बाहर न जाएं। मरिया फियोराली हूँ। हमारी फोन पर बात हुई थी। अच्छा अच्छा, मुझे खुशी है कि तुमने हमारा ऑफर कबूल किया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, पर इस हालत में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। यानी तुम अपने काम की एग्जीबिशन नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें कोई और ऑफर मिला है? नहीं, दरअसल मेरे हस्बैंड को गुजरे सिर्फ 4 महीने हुए और बच्चे। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर शायद यहाँ रोम शहर आकर तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू हो जाए। नहीं नहीं, देखिए, रोम जैसे महंगे शहर में मैं नहीं रह सकती और इसलिए मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे रहने और खाने की जिम्मेदारी हमारी है, घबराओ मत, तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का रोम में पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज रात हम इस गैलरी के मालिक से मिलेंगे, वो तुमसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।
ऐसा घिनौना काम सिर्फ स्टैवरोस जैसा आतंकवादी ही कर सकता है। स्टैवरोस के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो किस जगह पर है। अब ये पता करना है कि इस काम के लिए उसे पैसा कौन दे रहा है। इस सिलसिले में मैं अपने सभी साथियों की राय जानना चाहूंगा। ताजुब है, अभी तक किसी ने इस काम की जिम्मेदारी नहीं ली। ये जगह है स्पेन का एक शहर। हाल ही में अल्जीरियन आतंकवादी काफी दिखावा कर रहे थे। स्टैवरोस की कीमत चुकाना आसान नहीं। मुझे लगता है वो किसी से बदला ले रहा है। ये स्टैवरोस की अकेले की जंग है। लेकिन ये उसका अंदाज नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? वो पागल आदमी कब, क्यों, कहां और क्या करेगा कोई नहीं बता सकता। आजकल स्पेन में काफी आतंकवादियों के दल काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है जैक? तुम्हारी तितली मेरे पास है जैक। नहीं नहीं जैक, हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। ये स्टैफ सैफ़ोस नहीं है, कोई और है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं स्टैफ़ोस। मुझे भी स्टैफ़ोस को खत्म करने का मौका मिला था जैक, पर मैं नाकाम रहा। वो मेरा आखिरी और अधूरा काम था। अब वो बाहर आजाद घूम रहा है और मैं यहां फंस गया। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम काम में बहुत माहिर हो जैक, और तुम ही उसे पकड़ सकते हो। वो इस जगह के बारे में कितना जानता है? कह नहीं सकता, इसलिए तो खतरनाक है। दुनिया भर में जब भी किसी को दहशत फैलानी होती है तो उस काम के लिए स्टैवरोस को बुलाया जाता है। अजीब बात है, जब वो हमारा साथी था तो हीरो कहा जाता था। अब भाड़े का टट्टू बनकर काम करता है। अब वही हीरो सबकी निगाह में विलन बन गया है। मुझे अफसोस है कि हमें आपकी वो खूबसूरत बतख बेचनी पड़ी। वैसे मैंने उसे दुगने दाम में बेच दिया है। मेरे हस्बैंड को वो बतख बहुत पसंद थी। उन्हें लगता था कि वो गाय है। Thank you.
अरे तो जाना यार।
प्यारे दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, जल्दी ही हम नीचे उतरने वाले हैं। इसका रखवाला कौन है? से टपक पड़े, मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। जैक, मुझे एक बंदूक चाहिए। सॉरी यार, दुकान तो बंद हो चुकी है। लो, अब खुल गई ना। बोलो क्या चाहिए? मुझे एक जबरदस्त बंदूक चाहिए। हाँ, मेरे पास एक नई चीज आई है, तुम्हें पसंद आएगी। इसे साथ रखने से तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरी गारंटी है। जरा ये देखो, इसमें लेजर है, पूरी तरह ऑटोमेटिक, संभल कर, खतरनाक है। ओ, ये तो कमाल के हैं। क्या तुम जहाज उड़ा पाओगे? पतंग की तरह, पर मेरा जहाज उड़ाने का कोई इरादा नहीं है भैया। वैसे मेरे दुकान में सेल चल रही है। तुम पैसे लाए हो? पैसे बाद में दूंगा। देखो, मैं यहाँ मुफ्त के बंदूकें नहीं बांटता। पहले पैसे लेकर आओ, फिर बंदूक ले लेना। थैंक यू। यकीन मानो, मैं दे दूंगा यार। दुनिया के लिए तुम जिंदा नहीं हो, मर चुके हो। और मुर्दों को उधार नहीं दिया जाता। यास, मैं तुम्हें CIA के 3 बैंक अकाउंट के नंबर दूंगा। जब तुम मुझे बंदूक दे दोगे तो मैं तुम्हें उसके कोड नंबर भी बता दूंगा। पता नहीं यार, ऐसा लगता है जहां भी जाते हो झमेला खड़ा कर देते हो। चल देखते हैं यार, झमेला अच्छा लगता है अपन को। क्या ये सचमुच का पैराशूट है? अरे पहले कूद जाओ और उसे खोल के तो देखो। क्या काम करेगा? कूदने के बाद खुल जाएगा ये? हाँ, बिल्कुल काम करेगा। पक्की बात? अरे बाबा, बोला ना। यकीन है? पूरा यकीन है मुझे। अच्छा, हाँ, अगर मर जाओगे तो तुम्हारा पैसा वापस। मुझ पर भरोसा करो, संभाल के कूदना। पहले तू जाना। साले, मेरे पास पैराशूट नहीं है, मुझे मारना है क्या? अरे तुम्हें बचा रहा हूं यार, जरा हाथ दो। अरे पाँव से काम नहीं चलेगा। अरे ऐसे मदद करोगे क्या? और करीब आ जाओ। ऐसे चिपको मत। अपना हाथ निकालो। ये हो रहा मेरे पैराशूट का कमाल। तुम पागल हो, मुझे मार डालते। मेरे जो बाल बनाते ना, तुम तो उससे भी ज्यादा पागल हो। तुमने इसे टेस्ट किया था? बोलो। अरे मैं क्यों टेस्ट करूं, मैंने इसे बनाया है। मैं तुम्हें दुकान पर मिलूंगा और शायद तुम्हें कोड नंबर भी बता दूं। क्या मतलब है शायद? अरे बता दूंगा ना यार। अरे फाड़ में जाओ। मैं आ रही हूं, एक मिनट।
आने में देर मत करना, और हाँ, इस खटारा कार में भी सफर करने की भूल मत करना। मुझे खुशी हुई कि तुम में अब भी वो जोश कायम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोम आकर अपनी बीवी को होटल नवोना में जरूर देखता। कल तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है। ये उसके दिल की धड़कन है, इसलिए आने में देर मत करना, और हाँ, इस खटारा कार में भी सफर करने की भूल मत करना। मुझे खुशी हुई कि तुम में अब भी वो जोश कायम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोम आकर अपनी बीवी को होटल नवोना में जरूर देखता। कल तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है। ये उसके दिल की धड़कन है, इसलिए आने में देर मत करना, और हाँ, इस खटारा कार में भी सफर करने की भूल मत करना। कार का पेंट खराब मत करो। तुम्हारी जगह होता तो रोम आकर अपनी बीवी को होटल नवोना में जरूर देखता। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे पैसे बाकी हैं इसलिए तुम्हें बचाया। देखो, इस सब में बहुत ही खतरा है, मैं इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। इस कार में बॉम्ब लगा हुआ है और मुझे किसी भी तरह कल रोम पहुंचना है। तो तुम्हें रोम जाना है? नो प्रॉब्लम, मेरी इस इलाके में बहुत चलती है। धाना मेरी चलती है, देखा मार लाया ना गाड़ी। एक दो इंच बड़ी गाड़ी नहीं चुरा सकते थे क्या? अरे ओ घन चक्कर, जिसके लिए चोरी किया वही कहे चोर। अपने कपड़े देखे क्यों, इसमें क्या खराबी है? ये भी चोर बाजार से चुराए हुए लगते हैं। ये साइकिल वाले भी बस चले। ए, साइकिल पकड़ गली पकड़ चल। अबे चिल्लाता क्यों है? उसका पता चल गया है, वो रोम के हाईवे की ओर जा रहा है। वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमें पता चला है कि क्विन की बीवी रोम के होटल रेजिना में है। अब पता चलेगा कि क्विन किसके पीछे भाग रहा है। जनमन जनमन तेरे तो नयन चोरी चोरी लेके गए मैं खोने मेरा मन। जनमन जनमन हाँ, देखिए हमारे होटल में खास फंक्शन। जैक क्विन के लिए कोई खत है? हाँ है सर, ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप अगर सही वक्त पे पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा, मैं खुद पीछे मौजूद रहूंगा। साहब ये आपके लिए बाहर उस आदमी के पास पड़ा था। शुक्र है इसमें बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन शायद इसमें बैंक के कागजात होंगे, अब मुझे पैसे मिल जाएंगे। उन बैंक अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, समझे? तुम धोखेबाज हो क्विन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब मुझे पता चला तुम्हारा कोई उसूल नहीं है। यहां बात उसूलों की नहीं है यास। तो फिर ये क्या है? ये सोनोग्राफी की तस्वीर है मेरे होने वाले बच्चे की। स्टावरोस के कब्जे में मेरी बीवी है, तुम वापस चले जाओ, पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। क्विन मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो क्या कर लेते, तुम्हें तो खतरों से डर लगता था ना। देखो ये बहस करने का वक्त नहीं है, अभी हमें किसी तरह तुम्हारी बेटे की जान बचानी है। राइट राइट। डबल टीम। यस। अभी ये बाजी स्टावरोस के हाथ में है, हमारी जरा सी भूल से मेरी बीवी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तुम उसे कंप्यूटर से इत्तला कर रहे हो? अरे यार इसे तो हर खुफिया एजेंसी पढ़ लेगी। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? फिलहाल तो कोई नहीं, पर स्टावरोस ये बात नहीं जानता, वो मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा होगा। और फिर वो तुमसे मिलने आ जाएगा? वो जरूर आएगा यस, और वही ले जाएगा हम दोनों को कैथरीन तक। स्टावरोस ये देखिए उसकी मजाल, क्विन ने तुम्हें इत्तला किया है, वो होटल में तुम्हें मिलने आ रहा है। क्वीन होशियार है, बहुत जज्बाती आदमी है, हालात ने हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, वरना हम दोस्त होते। तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, वहां तुम महफूज रहोगी। मैं तुम्हें ठीक उस कोने पे मिलूंगा। समझ गया, मैं अपनी जगह पर हूं सर। लीजिए सर, देख लीजिए। सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहो। कमाल है यार, ये तो कोई सर्कस लगता है।
वो इजरायली एजेंसी वाले हैं, यहाँ सीआईडी पुलिस भी है, लगता है कुछ खराबी है, इटालियन मिलिट्री भी है। मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया। हद है यार, यहाँ तो दुनिया भर के एजेंसी वाले हैं। चलने वालों पर नजर रखो। माफ कर यार, लगता है तुम्हारा प्लान कुछ काम नहीं कर रहा है। सब्र करो, जरूर काम करेगा। अगर कोई मदद चाहिए तो भाई के पास जा सकते हैं। तुम्हारा भाई भी है? हाँ, मेरा एक भाई है यहाँ नजदीक एक चर्च में। हाँ यार, सामने घोड़े पर कौन आ रहा है? वो पुलिस वाला तो नहीं लगता। हाँ यार, वादे से नहीं मुकरता, कभी नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन पर जरूर बुलाऊंगा। अपना कफन साथ लेके आना। मेरी बीवी को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। सच तो यह है जैक कि मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ने वाला हूं। वो दोनों आमने सामने कौन है? लगता है स्टेवरोज और क्विन है। स्टेवरोज और क्विन मिल गए। हमारी लाइन अब क्लियर है, ठीक से सुनाई दे रहा है। क्या कहा? फिर से कहो। सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से कहो। भागना मत, एक एक को खून डालूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। नहीं यार, मारा साले को मेरा भी जवाब नहीं है।
रुको। मेरी बीवी कहाँ है? मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। जी सर। जैक आ रहा है, उसकी बीवी को ठिकाने लगा दो, जैक को मैं देख लूंगा। माफ कीजिएगा, मैं एक ऐसे आदमी को मिलना चाहता हूं जिसका नाम है। आइए जी। मैंने ऐसी दीवारें कभी नहीं देखी, ये है क्या? ये हमारे महरूम भाइयों की हड्डियां हैं। तुम हमारे भाई आज के दोस्त हो ना, उसके हम लोगों पर बहुत एहसान है। उसने हमें ऐसी तकनीक सिखाई है कि हम किसी भी कंप्यूटर मशीन पर काम कर सकते हैं। सब खैर? सब खैर। ये है मेरे भाई रिगेलो, ये है मेरे भाई रोमेलो, और ये है मेरा भाई क्विन। ये लोग रोम के बारे में पिछले 500 साल की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ये लोग कंप्यूटर चलाने में माहिर हैं और उसमें सारी जानकारी है। जो दवाई का लेबल तुम्हें वहां मिला था ना, ये अब उसी का पता लगा रहे हैं।
मिल गया, ये दवाई का लेबल। अभी अभी किसी ने लगाया है, वो कौन हो सकता है? एक नहीं, बहुत सारे हैं। कमाल है, पिछले कुछ दिनों में लगभग 27 डॉक्टर्स ने यही दवाई लिख कर दी है। ये कहाँ का सिग्नल है? ये बाहर का सिग्नल है, किसी का संदेश आ रहा है। कंप्यूटर बंद तो नहीं पड़ेगा ना? डॉक्टर मारिया, भेजने वाले को इस जगह का पता कैसे मालूम? क्या बात है, ये तो कैथरीन के हॉस्पिटल का पता बता रहा है। जरा मैं देखूं। देखना कहां से है ये मैसेज। जानकारी देने के लिए शुक्रिया जैक। ओ यही क्या ही होगा, देखते हैं। यहां से भागते हुए लग रहा है जैसे कि हम लोग चोर हैं। लेकिन हम लोग चोर थोड़ी हैं। अभी हम लोग टिबेरी नदी के नीचे हैं। सुरंग का ये रास्ता तुम्हें टिबेरी टापू के नीचे ले जाएगा। इस रास्ते से तुम बिना पुल पार किए सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। और स्टैवरोस के सभी आदमी पुल पर निगरानी कर रहे होंगे। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। शुक्रिया भाइयों। संभल कर जाना। भाइयों मैं आपसे कंप्यूटर पे कॉन्टेक्ट करूंगा, ठीक है? तुम्हारे संदेश का इंतजार रहेगा। ठीक है, जोर लगाओ, जोर लगाओ। ठीक है, ऐसे ही। हाँ, जोर लगाओ और जोर से। तेरी तो, ये तो फंसा हुआ है। देखता हूँ मेरी जेब में शायद कुछ होगा। क्या है तुम्हारी जेब में? ये क्या है? मेरा लकी कॉइन। ये सिर्फ एक कॉइन ही नहीं, छोटा मोटा धमाका करने वाला बॉम्ब है। सचमुच? बिल्कुल सही, मेरी जेब में ऐसी ही चीजें मिलेंगी। इसे कहते हैं तैयारी मेरे दोस्त। हमें ऐसे हालत में ऐसी छोटी मोटी चीजें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। धत, फ्यूज की वायर छोटी है। तो ये तुम्हारी तैयारी है? तुम एक मिनट रुको, कोई कोई पत्थर ढूंढते हैं। पत्थर नहीं तो खोपड़ी सही। ए भाई, बुरा मत मानना, तुझे ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरा भी भला होगा। शुक्रिया। तेरी तो निशाना चूक गया। तुम्हारा निशाना काफी खराब है। क्या मेरा निशाना खराब है? मेरा निशाना दूसरी बार कभी नहीं चूकता। ये देखो। सब ठीक है। कितना प्यारा बच्चा है। मेरा बच्चा। बॉस वो यहां आ चुका है। उसे तो आना ही था। मुझे यहां से निकलने के लिए एक मिनट का वक्त चाहिए, फिर इन दोनों औरतों को खत्म कर देना। पाइप से चढ़ जाओ। ठीक है। जाओ जाओ जाओ। अरे यार सॉरी यार, संभल के वरना खुद भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। सो भी नहीं। हाँ कहा? अरे वहां ऊपर। Oh, God.
इस हॉस्पिटल में कितना सन्नाटा है। अब लगा दोगी पटका, मैं तो चला। वो लोग कहाँ हैं? वहां से आवाज आई थी। चलो। हाँ। मार्को, तुम क्या खड़े खड़े क्या? ये हॉस्पिटल है, शोर मत मचाओ। चुप रे साले। आइए नीचे उतरिए। बेटा कहाँ है? मैं जानती हूँ स्टेवरोस बच्चे को कहाँ ले गया है। तुम अपने बेटे को बचाओ, मैं इनका ख्याल रखता हूँ। शुक्रिया यास, लेकिन यहाँ खतरा है। कोई खतरा नहीं है। अपनी बंदूक फेंक दो वरना पछताओगे। जानते हो जैक, क्यों तुम्हें जैक बुला सकता हूं ना? मेरे ख्याल में ऐसी कोई रात नहीं होगी जब तुम्हें सोने से पहले मेरे मासूम बेटे का मरा हुआ चेहरा ना याद आया हो। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना जैक? लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाने का एक मौका दूंगा। अगर तुम बच गए तो अपने बेटे को ले जाना, नहीं बचे तो मैं इसको पालूंगा। मैं जानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो जैक, पर बाघ ज्यादा ताकतवर होता है। यहां क्रॉस के पास माइंस बिछी हुई हैं, उन पर पांव रखने पे कोई नुकसान नहीं, लेकिन पांव हटाओगे तो चीथड़े उड़ जाएंगे। आजा, आजा, ए, 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 कर क्रॉस के पास बारूद भी जाए। <स्थाथ
देख छोटू, मुझे पूछे बगैर कहीं मत जाना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगा। बेटा महफूज है, यहां से निकल जाओ इससे पहले कि यहां धमाका हो। तुम मेरे बेटे को संभालो, मैं स्टेवरॉस से निपटता हूं। बारूद से अपना पैर लंबो, देखे कैसे तुम्हारे चीथड़े होते हैं। सही जगह पर पांव रख दिया है जैक, अब तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं।
लगता है तुम अपने बिछाए जाल में फंस गए स्टेवरोस। कितनी मेहनत की होगी ना, गड्ढे खोदे होंगे, माइंस लगाई होगी ताकि क्वीन बाघ से बचकर सर्कस करते करते माइंस पर गिर के फट जाए। लेकिन माफ करना, वही हाल तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि मैंने उन माइंस की जगह में थोड़ी सी फेर बदल कर दी। यस, पीछे देख। यस, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं ढूंढ रहा हूँ। यही तो रखा था। जैक इधर देखो। स्टेवरोस को खत्म करने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अब एक काम बाकी है। मुझे तुमसे तोहफा चाहिए। तुम्हारे थोड़े बाल और तुम्हारी शर्ट। क्वीन, ये आदमी कुछ ठीक नहीं है, इसे एक और तोहफा मिलना चाहिए। शायद मेरा लकी कॉइन एक और बार तुम्हारे काम आए। लेकिन मैं आपको अपने बाल काट कर नहीं दूंगा मिस्टर गोल्डस्मिथ। तुम तो जादूगर निकले मिस्टर याज। अब मेरे गायब होने की बारी है। कुचिकू कुचिकू, ये दोनों तो यहां से सटक गए। अब पुलिस वाले मुझसे जुर्माना मांगेंगे इस तोड़फोड़ का। पता नहीं कितने पैसे होंगे।